हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है मल्टी थ्रेडिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी थ्रेडिंग को समझने से पहले मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट में जाकर आप थ्रेडिंग के टॉपिक को पहले थोड़ा अच्छे से समझ लें, उसके बाद आपको मल्टी थ्रेडिंग ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको जाके समझें तो भी डोंट वरी, मैं आपको ये टॉपिक इस तरीके से क्लियर करवाने वाला हूँ कि आपको जो है मतलब वैसे भी डायरेक्टली भी ये समझने के ऊपर समझ आ ही जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और भी रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप वाकई ही अपने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं और अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमारी इस ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए और इस प्लेलिस्ट के अंदर जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको उसी सिक्वेंस में देखिए जिस सिक्वेंस में अपलोड की गई हैं, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। तो चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ, मल्टी थ्रेडिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है? ठीक है, तो मल्टी थ्रेडिंग के नाम से ही आपको रिप्रेजेंट हो गया होगा कि समझ आ गया होगा कि जो एक से ज़्यादा थ्रेड जो होते हैं जिस काम में इन्वॉल्व, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी थ्रेडिंग वाला काम। ठीक है, तो मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट क्या करता है, आपको ये अलाउ करता है कि आप एक से ज़्यादा थ्रेड्स को एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट कर सको। आजकल के जो आपके लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं वो इस मल्टी थ्रेडिंग के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी कर रहे हैं और आपको मैं एक दो एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ और आई होप सो कि ये एग्जांपल्स आपको समझ आ जाएंगी तो आपको मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट भी समझ आ जाएगा और अगर दोनों नहीं सिर्फ एक एग्जांपल भी समझ आ जाती है तो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल बिल्कुल सिंपल, थोड़ी सी टेक्निकल है दूसरी वाली एग्जांपल। तो पहले एग्जांपल की तरफ हम देखते हैं कि आपके पास एक वेब ब्राउज़र है, आप उसको ओपन करते हो, तो जैसे ही आप वेब ब्राउज़र को ओपन करते हो ना तो क्या होता है कि आपका वेब ब्राउज़र का एक प्रोसेस रन हो जाता है। उसके बाद आप क्या करते हो कि आप कोई भी साइट लिख के इंटर करते हो, इंटर का बटन प्रेस करते हो, तो आपका ब्राउज़र क्या करता है, काम शुरू कर देता है सर्वर से नेटवर्क के थ्रू डाटा उठा के आप तक शो करने के लिए। ठीक है, अब वो जो काम शुरू करता है तो उसमें से वो काम जो है फर्दर नेटवर्क से, सर्वर से नेटवर्क के थ्रू डाटा उठा के और दूसरी तरफ आप तक शो करने में, ये जो दो काम है, एक नेटवर्क से डाटा उठाना, सर्वर से डाटा उठाना उस रिक्वेस्टेड साइट का जो आपने ओपन करने की कोशिश की है वो, और दूसरा काम आपको शो करना, तो वो प्रोसेस क्या करता है, इन दोनों कामों को डिवाइड कर देता है और डिवाइड करके असाइन कर देता है दो थ्रेड्स को। पहले थ्रेड का काम ये बन जाता है कि जो साइट है वो तुमने नेटवर्क के थ्रू जाके सर्वर से एक्सेस करके लानी है और दूसरे थ्रेड का काम ये बन जाता है कि ये जो साइट सर्वर से एक्सेस करके लाई जाएगी उसका यूज़र इंटरफेस, इमेजेस वगैरह यूज़र के लिए ब्राउज़र के ऊपर ओपन करनी है और बिल्कुल अलाइन वे में बिल्कुल सेट करके ओपन करनी है ताकि उसको अच्छी लगे और वो सही से देख सके उनको। ठीक है, तो अब देखें ये काम क्या हो रहे हैं, एक प्रोसेस के थ्रू दो काम हो रहे हैं। ठीक है, और वो एक प्रोसेस के थ्रू दो काम कैसे हो रहे हैं, इस तरीके से कि उस प्रोसेस के आगे दो थ्रेड हैं, एक थ्रेड आपको डाटा साइट से ला के दे रहा है और दूसरा थ्रेड वही डाटा आपकी स्क्रीन के ऊपर अपलोड करा रहा है, सॉरी शो करवा रहा है, इमेजेस हो गए, यूज़र इंटरफेस वगैरह हो गया उस साइट का, ये सब कुछ। तो अब ये आपका काम जल्दी हो रहा है, क्यों, क्योंकि इस प्रोसेस के दो थ्रेड्स आपको मिल के ये काम कर रहे हैं। अगर एक थ्रेड होता तो पहले वो जाता सर्वर से साइट को उठा के आपके पीसी में लाता, उसके बाद आपको इमेजेस उस साइट की, इमेजेस उस साइट का इमेज, यूज़र इंटरफेस वगैरह आपकी स्क्रीन पे लोड कराता और उसके बाद आपको दिखाता। तो अगर ये एक प्रोसेस का एक थ्रेड अगर ये सब काम करता तो काम थोड़ा सा डिले होता, लेकिन अब इसमें दो प्रोसेस, एक प्रोसेस के दो थ्रेड्स इन्वॉल्व हैं तो अब यहाँ पे काम थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। फास्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि एक थ्रेड बिजी है वहाँ से डाटा ला के देने में तो दूसरा जो है बगैर किसी चीज़ का वेट किए उसकी उस डाटा की बेस पे इमेजेस वगैरह उस साइट की और यूज़र इंटरफेस वगैरह आपको स्क्रीन पे लोड करके दिखाया जा रहा है। तो मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट यही होता है कि एक प्रोसेस के एक से ज़्यादा थ्रेड होते हैं और वो सब मिलकर जो है काम कर रहे होते हैं और कॉमन रिसोर्सेज जो कि उसी प्रोसेस के रिसोर्सेज हैं उन्हीं को इस्तेमाल करके सारा काम कर रहे होते हैं और जल्दी काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब दूसरी तरफ हम इसी चीज़ को सर्वर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अगर आप सर्वर के पर्सपेक्टिव से देखें तो जब आप किसी भी साइट को जो है एक्सेस कर रहे हैं सर्वर से तो सर्वर पीछे क्या कर रहा है, आप अकेले तो नहीं उस साइट को एक्सेस कर रहे, अगर एक वेबसाइट है तो उसको आप जैसे कई यूज़र एक्सेस कर रहे होंगे। ठीक है, अब वो हर यूज़र की रिक्वेस्ट को मैनेज करने के लिए एक सेपरेट प्रोसेस बनाता चला जाए तो उस सर्वर के सारे रिसोर्सेज इसी प्रोसेस बनाने में इस्तेमाल हो जाएंगे, क्योंकि कई साइट्स तो ऐसी होती हैं जिनको एक वक्त में पता नहीं कितने कितने हज़ार कितने कितने लाख लोग जो है एक्सेस कर रहे होते हैं, तो सर्वर इस चीज़ को डील करने के लिए खुद भी मल्टी थ्रेडिंग का इस्तेमाल करता है।
ठीक है। और वो मल्टी थ्रेडिंग का इस्तेमाल कैसे करता है कि एक सिंगल प्रोसेस बना लेता है वो रिक्वेस्ट, यूजर की रिक्वेस्ट को डील करने के लिए, और फिर हर न्यू आने वाली रिक्वेस्ट के लिए उसी सिंगल प्रोसेस से एक थ्रेड बना देता है, और वो थ्रेड जो है आगे हर न्यू आने वाली रिक्वेस्ट को डील करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से मल्टी थ्रेडिंग कोई भी चीज़ क्यों ना हो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देती है काम को जल्दी करने के अंदर। ठीक है, ये समझ लें कि आप एक टास्क देते हो प्रोसेस को कि आप ये काम करके दो, तो अब प्रोसेस के पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो सारा का सारा काम किसी एक मजदूर से करा ले, यानी कि एक थ्रेड से करा ले। ठीक है, और फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो सारा का सारा काम एक की जगह एक से ज़्यादा मजदूरों से करवा ले, काम जितना बड़ा होता चला जाए उतने ज़्यादा मजदूर होते चले जाएं, और मजदूरों में सबकी ड्यूटी हो कि भाई तुमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, सब मिलके जब काम करेंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। तो यही चीज़ आपका जो प्रोसेस है वो मल्टी थ्रेडिंग के अंदर यही काम करता है कि एक से ज़्यादा थ्रेड होते हैं और फिर वो सब मिलके काम कर रहे होते हैं। इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे ही है कि एक सिनेमा के बाहर जो है टिकट लेने वालों की अगर लाइन लगी हुई है और वो लाइन बड़ी से बड़ी होती जा रही है, लेकिन जो टिकट देने वाला प्रोसेस है उसके पास टिकट देने के लिए सिर्फ एक थ्रेड है, यानी कि एक काउंटर है, तो सबको टिकट लेट मिलेगी। लेकिन अगर उस टिकट देने वाले प्रोसेस के अंदर एक से ज़्यादा काउंटर हैं, यानी कि एक से ज़्यादा थ्रेड हैं, तो सब लोग अलग अलग जगह पे लाइन में लग जाएंगे, तो टिकट देने वाला काम जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यही हिसाब होता है कि प्रोसेस अपनी जो है थ्रेड बना लेता है और हर थ्रेड को एक एक काम दे देता है। और मज़े की बात इसमें ये होती है कि जो थ्रेड्स होते हैं वो हर कोई थ्रेड अलग से अपने रिसोर्सेज को डिमांड नहीं करता, किसी एक कॉमन जगह पर रिसोर्सेज पड़े होते हैं जो कि प्रोसेस के रिसोर्सेज होते हैं, उन्हीं को उठा उठा के इस्तेमाल करता रहता है। ठीक है, अगर आप अलग अलग प्रोसेस बनाएंगे तो हर एक प्रोसेस अपने लिए अलग रिसोर्सेज डिमांड करना शुरू कर देगा। तो ये तो आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अब इसी को समझने समझने में हमने इसके फ़ायदे भी काफ़ी हद तक देख लिए, लेकिन हम थोड़ा सा रिटर्न व्यू में देख लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। इसका सबसे पहला एडवांटेज तो हमें मिलता है कि रिस्पॉन्सिव, वो ये कि आपके प्रोसेस रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है कि अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है आपके पास काम करने की तो आप उसको फ़ौरन जवाब देते हो। ठीक है, इस चीज़ को आप रिस्पॉन्सिव कहते हो। अब मैं आपके सामने एक चीज़ देख आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक प्रोसेस है, उसके पास एक ही थ्रेड है और वो थ्रेड किसी लंबी कैलकुलेशन में बिजी हो गया है। अब कोई दूसरा टास्क आता है तो वो क्या करेगा, वो खड़ा होकर वेट ही करेगा। वो वेट क्यों करेगा, इस वजह से कि प्रोसेस तो बिजी है किसी और काम में, जब वो काम वो कैलकुलेशन कम्प्लीट होगी तभी तो प्रोसेस इसकी तरफ मुड़ के आएगा। अब रिस्पॉन्सिवनेस ख़त्म होती जा रही है। तो अगर इसकी जगह ऐसा होता कि उस प्रोसेस के पास एक से ज़्यादा थ्रेड होते तो एक थ्रेड अगर बिजी हो भी गया था लंबी कैलकुलेशन में तो वो क्या करता कि दूसरे प्रोसेस को जो है भेज देता और बोलता कि अब तुम जाकर तो ये काम करके आ जाओ, क्योंकि जो पहले वाला प्रोसेस है वो बिजी है। तो इस चीज़ के अंदर मल्टी थ्रेडिंग के अंदर आपको ये रिस्पॉन्सिवनेस अचीव करने में मदद मिलती है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपके पास क्या हो रही होती है, रिसोर्स शेयरिंग। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप हर एक काम को करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में एक नया प्रोसेस बनाने लगोगे तो हर एक प्रोसेस आपसे जो है नया डाटा मांगना लग जाएगा। तो आप हर एक प्रोसेस को कितना डाटा दोगे, आपने प्रोसेस एक तो बनाना नहीं होता, दो तो बनाने नहीं होते, आपने बेशुमार प्रोसेसेस बनाने होते हैं, तो आप हर एक प्रोसेस को डाटा देने लग जाओगे तो आपके पास रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके बरक्स दूसरी तरफ आपके पास बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप एक ही प्रोसेस बनाओ, जो कॉमन टाइप के काम हैं जितने भी, आप उनके लिए एक प्रोसेस बनाओ और हर एक काम उसी प्रोसेस के आगे फर्दर थ्रेड को असाइन करते जाओ। तो जो थ्रेड हैं वो अलग से रिसोर्सेज नहीं मांगेंगे बल्कि अपने पेरेंट प्रोसेस के ही रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके आपके काम को करके दे देंगे। तो ये भी आपको एडवांटेज मिल रहा होता है कि रिसोर्स शेयरिंग आ जाती है। इसके बाद आपको जो थर्ड एडवांटेज मिल रहा होता है कि आजकल आपके पास मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर आ रहे हैं जिसके अंदर आपके एक से ज़्यादा प्रोसेसर इन्वॉल्व होते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो आपको मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट ये अलाउ करता है कि आप उस मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर को 100% यूटिलाइज़ करो, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसी चीज़ पे फोकस करता है कि जो आपके रिसोर्सेज आपके पास, जैसे कि आपके पास मौजूद हैं मल्टी प्रोसेसर मौजूद हैं, तो उनमें से उन मल्टीपल प्रोसेसर सारे के सारे ही इस्तेमाल होने चाहिए, उनकी 100% यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास हार्डवेयर लेवल पर रिसोर्सेज मौजूद तो हैं लेकिन आप उसमें से कुछ यूज़ कर रहे हो और बाकी फ्री पड़े हैं। होना इस तरीके से चाहिए कि जो बाकी फ्री पड़े हैं वो भी काम करें, क्योंकि अल्टीमेट गोल आपके कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड को इंक्रीज़ करना होता है। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या करता है कि आपके प्रोसेसर की, मल्टीपल प्रोसेसर के आर्किटेक्चर की 100% यूटिलाइजेशन करता है। अब वो कैसे करता है, वो ऐसे करता है कि
आप देखो, अगर आपके पास एक सिंगल प्रोसेस होता, उसमें एक सिंगल थ्रेड होता और वो चल मल्टीपल प्रोसेसर आर्किटेक्चर पे रहा होता, तो उसमें क्या नुकसान होता कि वो प्रोसेसर तो आपके पास मल्टीपल थे लेकिन थ्रेड एक सिंगल था, तो उस सिंगल थ्रेड को एक सिंगल प्रोसेसर ही चाहिए था, उसने उस सिंगल प्रोसेसर को यूटिलाइज कर दिया, बाकी सारे आइडल बैठे हुए हैं, तो ये गलत हो गया। अब आपके पास अगर आपने मल्टी थ्रेडिंग आर्किटेक्चर को जैसे ही अडॉप्ट किया, तो उसमें क्या होगा कि मल्टीपल थ्रेड्स होंगे, मल्टीपल प्रोसेसर ऑलरेडी मौजूद थे, तो वो मल्टीपल थ्रेड उन तमाम मल्टीपल प्रोसेसर को यूज़ करने लग जाएंगे और स्पीड में पैरेलल वे के अंदर काम करना शुरू कर देंगे, और इससे क्या होगा कि आपका स्पीड तो अचीव होगी ही होगी और आपके पास जो है मल्टीपल प्रोसेसर के आर्किटेक्चर की 100% यूटिलाइजेशन भी होना शुरू हो जाएगी। अब ये बेनिफिट कैसे है, ये बेनिफिट अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, ये 100% यूटिलाइजेशन बेनिफिट इस तरीके से है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ पे फोकस करता है कि आपके पास जो जितने भी आपके पास हार्डवेयर लेवल के रिसोर्सेज हैं, आप अगर कोई काम कर रहे हो तो आप इस तरीके से काम को डिज़ाइन करो कि वो जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हों। तो इस चीज़ को ऑपरेटिंग सिस्टम में एक अच्छी चीज़ समझी जाती है, ताकि आप जितना भी आपका डाटा है उसका मुकम्मल आप एक तरीके से फ़ायदा उठा रहे हो, डाटा नहीं सॉरी हार्डवेयर रिसोर्सेज। तो इस तरीके से आप इसके अंदर, ये भी आपका एक एडवांटेज है कि आप मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर की 100% यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम के, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के या फिर प्रोग्रामिंग के। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे लेक्चर्स आते रहते हैं तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा एक अनाउंसमेंट छोटी सी करनी थी कि अब हम अपने चैनल के थ्रू कुछ स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्रामिंग कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट किस्म के किसी भी कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमसे हमारे दिए हुए फेसबुक पेज के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे ट्विटर अकाउंट पे मुझसे कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं, और आप ऑनलाइन क्लासेस थ्रू जूम और स्काइप जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उसके थ्रू क्लासेस ले के हमसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के कोर्सेज कर सकते हैं। सो दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।